मैंने यह काम किया, इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों इस सेंटेंस के अंत में है काम किया, तो जब भी इस सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ या आता है तो ऐसे सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो पास्ट एंड डेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैंने। तो पहले हम लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब है इसमें किया, देखिए करना को इसमें डू कहते हैं, तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डीड। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब के रूप में डीड लिख रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो डिड लिखेंगे मेन वर्ब के रूप में, उसके बाद हम लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे यह काम यानी दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया कि इंग्लिश आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। चलिए जानते हैं यदि यही सेंटेंस नेगेटिव हो, जैसे कि मैंने यह काम नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए अब यह सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैंने की इंग्लिश आई, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, फिर नॉट, फिर इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, किया। तो यहाँ पे देखिए अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो किया है, तो करना को इंग्लिश में डू कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट यह काम यानी दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क, आई डिड नॉट डू दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया कि इंग्लिश आई डिड नॉट डू दिस वर्क। ऐसे और भी सेंटेंसेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।